आतिशी दिल्ली की नई बॉस होंगी। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया, लेकिन आखिर केजरीवाल ने क्यों लगाया है आतिशी पर दांव और क्या है सीएम बनने की उनकी वजह, आइए जानते हैं। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी मार्लेना दिल्ली की सीएम होंगी। चार साल में विधायक से मंत्री और मुख्यमंत्री का सफर करने वाली आतिशी राजनीतिक इतिहास की पहली महिला होंगी जो इतने कम समय में सियासत के शिखर तक पहुंची। दिल्ली की कमान संभालने वाली वो तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित सीएम रह चुकी हैं। आखिर पार्टी में कई दिग्गजों को पछाड़ आतिशी को ही सीएम क्यों चुना गया? केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद हैं आतिशी। केजरीवाल सिसोदिया के जेल में रहते पार्टी का मजबूती से स्टैंड रखा। सिसोदिया जेल गए तो शिक्षा समेत 6 अहम मंत्रालय मिले। पार्टी का सबसे बड़ा महिला चेहरा है आतिशी। 2013 विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी में थी। स्वाति मालीवाल केस के बाद महिला सीएम बनाकर डैमेज कंट्रोल। आतिशी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में अहम भूमिका रही, यही वजह रही कि उन्हें दिल्ली की कमान मिली। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव तक सत्ता की बागडोर संभालेंगी। केजरीवाल ने उन्हें आगे कर चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। अब उनके सामने विरोधी दलों को डिफेंड कर फिर से सत्ता में वापसी करना बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।